तो जब भी आप कोई चीज़ बिल्ड कर रहे होते हो तो बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए पहले एक स्ट्रक्चर बनाना। वैसे ही जैसे अगर आपको कोई घर बनाना है तो पहले आप एक आर्किटेक्ट को बुलाते हो और उससे एक स्ट्रक्चर बनवाते हो और उसके बाद असली में बिल्ड करना शुरू करते हो, है ना। उसके बाद ही आप लेबर बुलाते हो, उसके बाद ही काम शुरू होता है। पहले स्ट्रक्चर तैयार होता है पेपर पे, है ना। तो वैसे ही आप कोई भी काम करते हो तो उसके लिए पहले एक स्ट्रक्चर तैयार करो कि कैसे करेंगे इसको, कि कितने कैसे फेजेस में करेंगे, क्या कहाँ पे क्या चीज़ बनाएंगे, किस टाइम पे क्या बनाएंगे, क्या पहले बनाएंगे क्या बाद में बनाएंगे, वो बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। यह एक मैप की तरह सर्व करता है। जैसे आपको कोई जाना है एक जगह पे तो आप मैप यूज़ करते हो कि भाई यहाँ से यहाँ तक जाना है तो ये रास्ता लेना पड़ेगा, है ना। वैसे ही स्ट्रक्चर वो मैप बन जाता है आपका बिल्डिंग के लिए, कि जब आप कुछ बिल्ड कर रहे हो तो अगर आपके पास स्ट्रक्चर है तो आपको पता है कि क्या कब क्या करना है और कहाँ पे क्या करना है। तो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी कुछ बिल्ड कर रहे हैं उसके अंदर।